हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 की, वो भी ट्रिक्स के साथ। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि उसी से आपका आंसर भी निकल जाए, ठीक है? तो 40 अपॉइंटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में नियुक्तियाँ भी कहा जाता है। आप सामने स्क्रीन में क्वेश्चन देखकर समझ ही गए होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो 2018 के हैं, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे चुना गया? जस्टिस रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना गया। अब इसकी ट्रिक क्या रखी याद करने की? देखो, आपने सुना होगा इसके बारे में, जस्टिस रंजन गोगोई, आपने नाम ज़रूर सुना होगा हाल ही में। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता ट्रिक कैसे याद रखना है आपको, देखो यहाँ पे आपको रंजन और गोगोई पे फोकस करना है। जस्टिस तो आपको पता है, ये चीफ जस्टिस हैं तो जस्टिस तो आएगा ही आएगा। रंजन गोगोई आपको नाम नहीं याद रहता तो कैसे याद रखना है? देखो, रैन और फिर जैन, ठीक है? रैन से मतलब दौड़ो, जैन से मतलब जनवरी। जनवरी का मंथ आ चुका है, दौड़ना स्टार्ट करो। गो गो इंडिया, जी ओ से गो, जी ओ से गो, लास्ट में जो आई आ रहा है उसका मतलब इंडिया। दौड़ना स्टार्ट करो, जनवरी का मंथ भी आ चुका है। गो गो इंडिया गो, इस तरह से मतलब अब इंडिया को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन दौड़ाएगा? जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो अच्छे फैसले लेंगे, सही से डिसीजन जल्दी से लेने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया आगे बढ़ेगा। तो जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, अब दौड़ना स्टार्ट करो और टाइम मत लगाओ। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जनवरी, दौड़ना स्टार्ट करो, जनवरी का मंथ आ चुका है। गो गो इंडिया, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? यहां से आपको याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है यूपीएससी के चेयरमैन। अब यूपीएससी के चेयरमैन, आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यूपीएससी के एग्जाम वगैरह देते हो कई सारे, इनके चेयरमैन किसे चुना गया? अरविंद सक्सेना। अब ये नाम कैसे आपको याद रखना है? देखो, यूपीएससी के एग्जाम्स में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेना जी है ना, यहाँ से आपको याद रखना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेना जी तो हैं ही, तो सक्सेस तो मिलेगी। बाकी चेयरमैन में एयर आ रहा है और यहाँ पे विंड आ रहा है, अरविंद, ARVIND, यानी कि विंड कह सकते हो लास्ट में, तो हवा का मतलब विंड है, तो अरविंद सक्सेना आप यहाँ से याद रख सकते हो। यूपीएससी में सक्सेस चाहिए तो सक्सेना जी है, यहाँ से आप यूपीएससी का चेयरमैन याद रख सकते हो, ठीक है? तो जो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इनका आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ तो आपको याद रहेंगे, बट कुछ दिनों के बाद आप फिर से इन चीज़ों को भूल जाओगे। तो उसी पर्पज़ के लिए मैं आपको PDF ही प्रोवाइड करवाऊँगा। आप चाहे तो वीडियो दोबारा से देख सकते हो, नहीं तो PDF आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आपकी क्वेरीजन कर सकते हो, ठीक है? तो वहां से आपको सब चीजें याद रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे है रेलवे बोर्ड चेयरमैन। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना गया? विनोद कुमार यादव। अब ये कैसे याद रखना है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना गया? विनोद कुमार यादव। अब देखो ये कैसे याद रखना है, विन मतलब आपको समझ रहा, स्टार्टिंग में VIN, इसको हम विन भी कह सकते हैं, जीत मतलब जीत। अब रेलवे के एग्ज़ाम्स में विन सबको चाहिए, जीत सबको चाहिए, फिर चाहे वो कुमार साहब हो चाहे वो यादव हो, जीत सभी को चाहिए। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन चुने गए? विनोद कुमार यादव। इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना गया इंडिया का? इसे कैसे याद रखना है? हमें पता है सुनील अरोड़ा जी को चुना गया है। अब कैसे याद रखना है? अब इलेक्शन कमिश्नर आए इंडिया के नए, इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर आए, उनका नाम सुनते ही या उनके आते ही सन भी इल हो गया, यानी कि सूरज भी बीमार हो गया। सन का मतलब सूरज, आयल का मतलब इल, मान लो बीमार हो गया, तो सूरज भी बीमार हो गया और ए जो है वो रो रहा था, RORA मतलब रो रहा, मतलब ए जो है वो रो रहा था। तो इलेक्शन कमिश्नर के आते ही सन भी बीमार हो गया और ए जो है वो रो रहा था। इस ट्रिक से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया? ICC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शशांक मनोहर। अब ये आपको कैसे याद रखना है, देखो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको पता होगा, ICC के चेयरमैन की बात करें शशांक मनोहर, तो यहाँ पे हम कहते हैं ना चुप करने के लिए बोलते हैं ना, से फिंगर अकेले उसमें कि वो से याद रखना आपको, और फिर से SHA, और उसके बाद मानो हर कोई इनकी बात, मनोहर है ना, तो यहाँ से मानो हर कोई इनकी बात, क्योंकि अब ये ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। पहले क्या ये आप नीचे देख सकते हो, मैंने ट्रिक भी लिखी है यहाँ पे, ठीक है? पहले क्या क्या चुप कराया गया, फिर कहा गया मानो हर कोई इनकी बात, अब ये चेयरमैन बन चुके हैं आई सी
सी के, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसरो के चेयरमैन की बात कर लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इनका चेयरमैन किसे बनाया गया? डॉक्टर के सिवन। अब डॉक्टर तो आ गए, आपको पता है डॉक्टर तो ज़रूरी है, आना ही आना। चलो अब के सिवन की बात कर लेते हैं, ये आपको कैसे याद रखना है। अब ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, इसरो जो है वो स्पेस की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है, ऐसे कह सकते हो। और माना जाता है कि ऊपर की तरफ ही भगवान भी रहते हैं, ठीक है। तो इसरो ऊपर की तरफ जाता है और माना जाता है कि भगवान भी ऊपर की तरफ रहते हैं, तो शिवा भगवान भी मान लो ऊपर की तरफ रहते हैं। तो यहाँ पर शिवा SIVA जो है वहाँ से आप शिवा याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवन। इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। किसे चुना गया? प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे। अब ये कैसे नाम याद रखना है, देखो AICTE की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी काउंसिल अब बड़ी, जो सबसे बड़ी यूनिट आप कह सकते हो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की, वो है AICTE। अब इसको कैसे याद करना है? अनिल में देखो ए और नील, यहाँ पे मुझे ट्रिक भी देखते जाना, जो मैंने लिखा हुआ ना ए नील, इस पर भी ध्यान देना, ठीक है। ए नील तो नहीं हो सकता, ए जो है नील मतलब बेकार तो नहीं हो सकता, नल तो नहीं हो सकता, क्योंकि AICTE के चेयरमैन तो नील तो हो नहीं सकते, उनमें बुद्धि बहुत है, लास्ट में बुद्धि आ रहा है ना, तो ऐसे बुद्धि रखना है यहाँ पे, उनमें बुद्धि बहुत है। ए नील तो नहीं हो सकते, उनमें बुद्धि बहुत है, मतलब उनमें दिमाग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो AICTE के चेयरमैन बने हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि AICTE के चेयरमैन किन्हें चुना गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, दोनों की ट्रिक एक साथ है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, RBI के डिप्टी गवर्नर MK जैन। अब कैसे याद रखना है, देखो RBI के गवर्नर हैं तो शक्ति तो होगी ही होगी, शक्ति है ना, शक्ति तो होगी होगी, शक्ति तो है ही है इनमें। किसी को भी दास, दास का मतलब सर्वेंट, किसी को भी दास बना सकते हैं क्योंकि RBI के गवर्नर हैं। तो यहाँ से शक्तिकांत दास को आप याद रख सकते हो। फिर एक बंदे ने इंटरव्यू लिया RBI के डिप्टी गवर्नर MK जैन का, तो कहा बताओ अब क्या करोगे आप, क्योंकि RBI के गवर्नर में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी दास बना सकते हैं, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? तो RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा एम से मैं, के से क्या करूँ, जय करूँ अब उनकी सारे मिलके। तो ये किसने कहा? RBI के डिप्टी गवर्नर ने। तो एम से मैं, के से क्या करूँ, जय करो सब उनकी। तो यहाँ से RBI के गवर्नर और RBI के डिप्टी गवर्नर की ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि डायरेक्टर जनरल की बात की जा रही है RPF के, जिसके अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं RPF SI कांस्टेबल वगैरह के, तो उनका DG किसे चुना गया? 2018 की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी भी हैं, कौन चुने गए? अरुण कुमार। अब ये कैसे याद रखना है? अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अब एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो या नहीं दे रहे, आपको पता है इतना कि एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पे रनिंग तो करनी ही करनी है, रनिंग तो ज़रूरी है। तो किसी ने कहा कि ए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, पूरी तरह से सिलेक्शन चाहते हो, तो रनिंग ज़रूरी है यहाँ पर। तो RUN मतलब रन, रनिंग तो ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ से आप DG को याद रख सकते हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया DG फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के DG किसे चुना गया? देखो अगर आप कभी इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे बार आप पुलिस वाले दिखते हैं, आर्मी वाले कह लो, वो एक्चुअली में CISF वाले होते हैं, इतना आपको पता ही है। तो उनका DG किसे चुना गया? उनका जो DG हैं वो हैं राजेश रंजन। अब ये कैसे आपको समझना है, देखो DG बनाया गया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज का, तो उसकी ट्रिक ये है कि जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज का DG बना दिया है, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज का DG बना दिया है, वो तो राज करेंगे ही करेंगे, वो तो ऐश करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से राज और ऐश से आपको याद रखना है राजेश रंजन, तो वही है DG सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया DG ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, डायरेक्टर जनरल जो NCC की हम बात करते हैं स्कूल में या कॉलेज वगैरह में ज्वाइन करते हैं, उस वो NCC की हम बात कर रहे हैं, उसके DG किसे चुना गया? लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा है, तो आपको पता है NCC के लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह होंगे ही होंगे। अब PP कैसे याद रखना है आपको? PP मल्होत्रा, देखो PP मल्होत्रा आपको ऐसे याद रखना है कि NCC वालों को इंडिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो विसल बजाकर या फिर हॉर्न बजाकर, उसकी आवाज़ होती है ना PP PP इस तरीके से, तो वो विसल बजाकर या फिर हॉर्न बजाकर सबको वार्न कर रहे हैं कि किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन नहीं चाहिए, यहाँ पे डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो वहाँ से PP हॉर्न वाली ट्रिक से आप समझ सकते हो NCC के जो DG चुने गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है
चेयरमैन और एमडी कोल इंडिया का किसे चुना गया है? चेयरमैन और एमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही पोस्ट हैं कोल इंडिया की, किसे चुना गया है? अनिल कुमार जागो। अब ये कैसे याद रखना है आपको, देखो ए नील, फिर से वही बात है कि एक चेयरमैन है, एमडी भी है, नील तो हो नहीं सकते, ए वो तो नील नहीं हो सकते। अब ये ए नील वाली ट्रिक हमने एआईसीटी के चेयरमैन में भी यूज़ की थी, लेकिन एआईसीटी के चेयरमैन उन्होंने क्या किया था, अनिल तो था लास्ट से, बुद्धि भी आ रहा था कि उसको दिमाग बहुत अच्छा है, सिर्फ बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि नहीं आ रहा है, यहाँ पे जा आ रहा है। इसका क्या है कि ए वो नील तो हो नहीं सकते, कोल इंडिया के चेयरमैन और एमडी नील तो हो नहीं सकते, जा जा यहाँ से ए फालतू की बातें मत कर। तो जा यहाँ पर आ गया, जा जा यहाँ से फालतू की बात मत कर, इस ट्रिक से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमने रीजनिंग के सेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो रीजनिंग वाली वीडियोज आपने नहीं देखी, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी मैंने ट्रिक्स के साथ समझाया है। तो कोशिश करना वो वाली वीडियो भी देख लो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, 14th क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। देखो NSA के, आप पता है आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोवाल जी, वो तो कब से हैं, 2014-15 से वो NSA हैं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके बारे में तो पता है। बट 2018 में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चुना गया है, किसको चुना गया, पंकज सरन को। अब ये नाम आपको कैसे याद रखना है, देखो पंकज है ना, पंकज में पैन स्टार्टिंग में ले लो और लास्ट में का ले लो, दो इन दो वर्ड्स की हेल्प से हम समझेंगे। पंका मतलब पैन और कार्ड, PAN से पैन बन गया पैन कार्ड, KA से बन गया कार्ड, पैन कार्ड से ही SARA ले लो, सरन से सारा ले लो, तो पैन कार्ड से ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं तो पैन कार्ड से ही सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे। तो पैन कार्ड यहाँ से बन गया, सारा यहाँ से बन गया, पैन कार्ड से ही सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे, कौन, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया है चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपको पता ना हम ये अपॉइंटमेंट वाला ग्रुप है, इस तरह से और भी ग्रुप में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी आएगी, अवार्ड्स वाली कैटेगरी होगी, इस तरह से जो भी रैंकिंग वगैरह कई तरह की कैटेगरी से हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चीफ़ ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की बात की जा रही है। ED का आपने नाम सुना होगा हमेशा, ED, CBI, इन सब चीज़ों को आप नाम सुनते ही होगे, तो ये वही ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका चीफ किसे चुना गया, संजय कुमार मिश्रा। अब ये कैसे याद रखना है, देखो संजय में से सांझा ले लो, मिश्रा में से मिश्र ले लो। ठीक है, अब सांझा मिश्र मतलब इकट्ठा इकट्ठा, हम बात करें सांझा का मतलब इकट्ठा, मिश्र मतलब मिला जुला, हिंदी के वर्ड्स हैं ये, तो इससे क्या आप मतलब समझ ट्रिक बना सकते हैं, ये मतलब सांझा काम है, ये मिला जुला काम होता है इनका, ED वालों का रेड ऐसे थोड़ी ना पड़ जाती हैं, ये मिला जुला काम होता है, इकट्ठे मिलके काम करें तभी रेड वगैरह पड़ती हैं। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि सांझा है और मिश्र मिला जुला काम है, तभी जाके रेड वगैरह आसानी से पड़ती है और इनको सक्सेस वगैरह मिलती है। तो ED के चीफ का नाम आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कहा गया है चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किन्हें चुना गया, अशोक कुमार गुप्ता को। अब जब हम बात करें कंपटीशन कमीशन की, चेयरपर्सन कंपटीशन के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, अब जब भी कंपटीशन की बात आएगी वहाँ पर अशोका की बात तो आएगी आएगी, अशोका को आपको पता है जो राजा था, जो अशोका तो उन्होंने की किताब में 99 भाइयों को मारा था, उसके बाद उन्होंने जो कहते हैं ना वो राज तिलक वगैरह जो कहते हैं वो सब किया था। तो कंपटीशन की बात करें तो इनका नाम तो आएगा आएगा, सबसे पहले अपने इन्होंने अपने भाइयों से कंपटीशन किया था फिर जाके राजा बने थे। तो जब भी कंपटीशन की बात आएगी अशोका का नाम तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से आपको अशोक कुमार गुप्ता याद रखना है जो चेयरपर्सन बने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हैं प्रियांक कनोंगो। अब ये कैसे आपको याद रखना है, देखो कान या मतलब कि हमारे ईयर्स की बात करें, कानों की बात करें, और ओंगो से आप ऑगी बना सकते हो, ऑगी एंड कॉकरोचेस वाला जो सीरियल आता है कार्टून वगैरह में उसकी बात कर लेते, पोगो में आता शायद या मुझे ये खुद नहीं पता। तो यहाँ पे कान में जब भी ऑगी की बात आएगी, कान में जब भी ऑगी एंड कॉकरोचेस की बात आएगी, इसका मतलब बच्चे कहीं पर आस पास हैं, चिल्ड्रन कहीं पर आस पास हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात की जा रही है, चाइल्ड राइट्स, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कान ओंगो, कानों में जब भी ऑगी की आवाज़ आएगी यानी कि बच्चे जो हैं वो आसपास हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कहा गया है
डीजी ऑफ काउंसिल, जहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डीजी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के डीजी, और सेक्रेटरीट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च DSIR, दोनों का एक ही बनता है। मतलब डीजी भी एक, यहाँ पे सेक्रेटरीट सेक्रेटरी भी एक ही है इन दोनों पोस्ट्स का। चाहे हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें, चाहे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च की बात करें, वो शेखर सी मांडे, ये है इनका नाम। अब इसको कैसे याद रखना है, इन्होंने कहा कि देखो दो दो पोस्ट्स का मैं डीजी भी हूँ सेक्रेटरी भी हूँ, तो शिखर में हूँ मैं अभी, मतलब ऊंचाइयों में हूँ। शिखर का मतलब शिखर आप कह लो, ऊंचाइयों पर हूँ मैं अभी। MEN से मान, मान ले मेरी बात, डे का ब्ले कर लो, मान ले मेरी बात अब, क्योंकि शिखर पर हूँ मैं अभी, ऊंचाइयों पर हूँ, तो सभी को मेरी बात मान लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं शिखर पर हूँ मैं अभी, मान ले मेरी बात, ठीक है। इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। और हालांकि साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्च वगैरह भी कर रहे, मतलब साइंटिफिक फील्ड में भी हैं, रिसर्च फील्ड में भी हैं, तो इनकी बातें तो माननी पड़ेंगी, शिखर में तो है ही हैं। इस तरह की आप ट्रिक्स के साथ इस नाम को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो अभी हाल ही में आपको पता है इलेक्शन हुए थे 5 स्टेट्स में, उनके जो चीफ मिनिस्टर बने उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक के साथ। पहले CM के चीफ मिनिस्टर, सॉरी CM राजस्थान, मतलब चीफ मिनिस्टर राजस्थान के कौन चुने गए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा है CM राजस्थान, आप समझ गए होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका HD कुमार स्वामी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। अब ये कैसे याद रखने हैं आपको, पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की, अशोक गहलोत की। तो अशोक कौन थे, एक राजा थे। तो जहाँ पे राजस्थान की बात होगी, राजा की बात होगी, वहाँ पे अशोक की बात होगी, तो अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पे देखो कैसे याद रखना है, देखो मध्य प्रदेश में कमाल हो गया, कमलनाथ है ना, कमाल मान लो, मध्य प्रदेश में कमाल हो गया, 15 साल से, 15 साल तक वहाँ पे कमल रहा, मतलब बीजेपी की सरकार रही, और अब कमलनाथ हो गया। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश में कमाल हो गया, 15 साल तक कमल रहा, और अब कमलनाथ हो गया, ठीक है। कांग्रेस के आपको पता है कमलनाथ जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कैसे करना है, छत्तीसगढ़ है मतलब वहाँ पे आपको पता है जंगल वगैरह काफ़ी ज़्यादा, नक्सली वगैरह भी आपको पता है जंगल में दिखते हैं आपको, तो छत्तीसगढ़ में जंगल तो है ही है। तो वहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पर पेश किए जाते हैं आपके सामने बाग और बगीचे। तो यहाँ पे पेश और बाग, यहाँ से आपको याद रखना है, पेश किए जाते हैं आपके सामने बाग बगीचे। कहाँ पे पेश करोगे, बाग बगीचे जहाँ पे पेड़ वगैरह जंगल वगैरह ज़्यादा होंगे, वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, आपको पता है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को याद कर सकते हो। आगे कर्नाटका की बात कर लेते हैं, वो हैं HD कुमार स्वामी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नाटका, मतलब नाटक मतलब सीरियल। अब नाटक वगैरह कहाँ पर होते हैं आपको पता है, नाटक वगैरह जो है वो आप HD में देखना पसंद करोगे हमेशा। तो HD में आप अगर नाटक देखना पसंद करोगे, तो यानी कि नाटक कभी भी आप क्या करोगे, HD में देखना पसंद करोगे, सीरियल वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ से आगे कर्नाटका के CM कौन है, HD कुमार स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे CM तेलंगाना की। CM तेलंगाना के कौन है, के चंद्रशेखर राव। ये कैसे याद रख सकते हो आप, देखो तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, सॉरी कर्नाटका की बात कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो गया था बीच में, फ़ोन आ रहा था इसलिए। कर्नाटका की बात कर रहे हैं हम, नाटक वगैरह, नाटक वगैरह आप HD में देखना पसंद करोगे, तो वहाँ से आ गया HD कुमार स्वामी। अब CM तेलंगाना की बात कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है, देखो टेल मतलब बोलो, एक गाना गाओ जिसका नाम है, आप कहा गया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कौन है, वो है के चंद्रशेखर राव। ये कैसे याद रखना है, इसमें आ रहा टेल अ गाना, मतलब ये गाना बोलो या गाना बताओ, कुछ भी मान लो वहाँ से। तो चाहे वो गाना चंद्र चांद के ऊपर हो, चाहे वो गाना शिखर पर हो, चाहे वो गाना बाजीराव पर हो, हमें एक गाना सुना दो कोई भी। तो इस तरीके से आप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 24th क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन दोनों के सेम ट्रिक से हम समझेंगे। पहले कहा गया चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो PTI वगैरह नाम सुनते हो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन कौन है या कौन चुने गए 2018 में, वो हैं N रवि। और वाइस चेयरमैन कौन चुने गए PTI के, विजय कुमार चोपड़ा। अब ये कैसे याद रखना आपको, देखो पहले हम N रवि की बात करें, तो कहा गया अरे, मतलब आर से आप अरे मान लो, आर मान लो, अरे मान लो, तो किसी ने कहा कि अरे अभी तो आए हो, मतलब अभी तो आए हो, AVI से अभी, मतलब अभी तो आए हो, रेस्ट कर लो, बाद में प्रिंटिंग न्यूज़ वगैरह पर ध्यान देना, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो,
तो उस इतनी देर पे वाइस चेयरमैन वहां पर बोले कि विजय चाहिए हमें, हमें तो जीत चाहिए, हम नहीं रुकने वाले, चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, हमने अपना काम करना ही करना है क्योंकि हमें विजय चाहिए। ठीक है, तो पहले किससे बात की गई, चेयरमैन से बात की गई, अरे अभी तो आए हो रेस्ट कर लो। तो वाइस चेयरमैन बोले हमें विजय चाहिए, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम सारे काम करेंगे। तो यहाँ से चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई को आप कब याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बता रहा हूँ। इसी तरीके से सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इस सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा करेंगे रोज़ के या वीक के, वो मैं आपको फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम पर आपको बताया करूँगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक वगैरह, वहाँ से आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर्स आपके रोज़ चलेंगे, वीडियो चाहे रोज ना पोस्ट हो, बट वहां पे फेसबुक पेज या करंट अफेयर्स में ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा अब कैसे चीजों को याद रख सकते हो। यहां पे हम बात कर लेते हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के, कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया गया आईसीआईसीआई बैंक का, वो है संदीप बख्शी। अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है, बहुत डीप में गया है ये बंदा, अब किसी को नहीं बख्शेगा ये बंदा, मतलब किसी को माफ़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया आईसीआईसीआई बैंक का, संदीप बख्शी, मतलब कि ये बंदा बड़े डीप में गया है, अब ये बंदा किसी को बख्शेगा नहीं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, एक है एमडी ऑफ एसबीआई, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया, वो चुना गया अरिजीत बासु को। इन्होंने कहा अरे अरे का मतलब अरे, जीआईटी का मतलब जीत, अरे जीत तो मुझे मिली है, एमडी बन गया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ से अरिजीत बसु की ट्रिक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो कहा गया फर्स्ट वुमेन लॉयर अपॉइंटेड एज एससी जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जज चुने गए फर्स्ट वुमेन लॉयर, उनका नाम आपको बताना है, वो है इंदु मल्होत्रा। अब ये कैसे याद रखना है, देखो इंदु मतलब इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं हम कि किसे चुना गया सुप्रीम कोर्ट का जज, हम वुमेन की बात कर रहे हैं, वो है इंदु मल्होत्रा, तो हम इंडिया की बात कर रहे थे तो वहाँ से इंदु आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एमडी एंड चेयरमैन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको पता है, तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे चुना गया, सरस्वती प्रसाद जी को चुना गया है एमडी और चेयरमैन सेल का। अब ये कैसे, देखो सेल बन रहा है एस ए से और सरस्वती का नाम भी स्टार्ट होता है एस ए से, तो देखो सरस्वती माँ का प्रसाद ही तो है, सरस्वती माँ का प्रसाद ही तो है, तो जो वो एमडी और चेयरमैन बन गए हैं सेल के। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे याद रखना है कि एस ए से सेल पड़ता है, एस ए से सरस्वती पड़ता है, तो सरस्वती माँ का प्रसाद ही मिला है उनको जो एमडी और चेयरमैन बन चुके हैं सेल के, यहां से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चीज है व्हाट्सएप इंडिया हेड, मतलब इंडिया में जो हेड है व्हाट्सएप के, वो किन्हें बनाया गया, अभिजीत बोस को। ये कैसे याद रखना है, वो कह रहे हैं अभी अभी जीत मिली है बॉस, अभी आगे देखो और क्या क्या करता हूँ, अभी अभी जीत मिली है बॉस, आगे देखो क्या क्या करता हूँ, किसने कहा, व्हाट्सएप के जो हेड हैं इंडिया के, उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पे एक मिनट में वो क्वेश्चंस दो स्किप हो गए हैं आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से पीछे जाना मुश्किल है, क्वेश्चन वीडियो के एंड में चले जाएंगे वहाँ पर 31 और 32 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है डीजी ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, एस एस देसवाल को चुना गया। अब यहाँ पे देखो कैसे आपको याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को, बॉर्डर पुलिस है इंडिया तिब्बत की, किसे चुना गया है एसएस देसवाल को। अब देश का मतलब देश, वॉल मतलब दीवार, देश की वॉल को सेफ रखना है इन्होंने, मतलब बॉर्डर में जो दीवार बनी है उसे इन्होंने सेफ रखना है, तो एसएस देसवाल आ गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डीजी। वैसे ही डीजी ऑफ बीएसएफ की बात करें तो वो चुने गए रजनीकांत मिश्रा, तो रजनीकांत आपको पता है, नाम सुना ही है आपने, तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़रूरी कौन है, रजनीकांत सबसे ज़रूरी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो नेक्स्ट ट्रिक हम यहाँ पे चल लेते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम का हेड, फिर से एक बार वो पीछे चले गया, पीछे जाना मुश्किल हो जाता थोड़ा, बाद में चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की फीमेल डायरेक्टर किसे चुना गया, वो चुना गया गीना हस्पल को, जो भी नाम है कैसे आपको याद रखना है CIA की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, कैसे याद रखना आपको ट्रिक को। इन्होंने कहा
जी ना ना, किसने कहा कि भाई वो फीमेल डायरेक्टर ने, वो CIA की मतलब पहली फीमेल डायरेक्टर आ चुकी हैं, तो किसने कहा जी ना ना, ये तो हंसने वाला पल है, मतलब हंसने वाला इन द सेंस ऐसा, ठीक है, मजाक उड़ाने वाला पल है, मतलब खुशी वाला पल है, खुशी से हंसने वाला पल है ये, तो जी ना ना ये तो खुशी से हंसने वाला पल है कि वो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर आ चुकी हैं CIA की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है चीफ ऑफ नासा, अब नासा का चीफ किसे चुना गया, जिम ब्राइडेनस्टाइन को। अब ब्राइडेनस्टाइन से आप आइंस्टाइन समझ सकते हो, आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइन ही हो सकता है भाई नासा का चीफ, नासा का चीफ तो भाई आइंस्टाइन जैसा बंदा ही हो सकता है, तो जिम ब्राइडेनस्टाइन से आप याद रख सकते हो उस चीज़ को। वैसे ही US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की जाए तो किसे चुना गया, माइक पोम्पियो को। अब यहाँ पर कैसे है, माइक में बता दो सबको कि US का नया सेक्रेटरी आ चुका है, तो माइक में बता दो सबको इस बारे में, तो इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA का चेयरपर्सन किसे चुना गया, जर्नलिस्ट रजत शर्मा। अब ये कैसे सुनना करना आपको पता है, रजत शर्मा का शो आता है आज की बात वाला इंडिया TV पर रात को 9 बजे के करीब, तो आज की बात रजत शर्मा का शो है, जर्नलिस्ट है वो, तो आज की बात ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट के लिए पागल हैं, तो क्रिकेट की बात यहाँ पर आ गई, और दिल्ली की बात आ रही है, दिल्ली का ये विराट कोहली जो इस टाइम क्रिकेट के जो कैप्टन है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है वो विराट कोहली, तो यहाँ से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो पीछे क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कहा गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL किसे चुना गया, मैरी कॉम को। अब पहले पहले मेरी सिम आती थी, BSNL की सिम ज़्यादातर फेमस थी, तो मेरी सिम एक ऐड आती थी, मेरी सिम BSNL सिम, इस तरह की ऐड आती थी, मेरी सिम BSNL सिम, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को कि ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, BSNL का मैरी कॉम को। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चंस पीछे रह गए थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, चल लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था चीफ ऑफ नासा, ये हमारा हो गया था, चेयरपर्सन ये भी हो गया था, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ये भी हो गया था हमारा क्वेश्चन, इंस्टाग्राम का हेड हमारा रह गया था कौन है, एडम मोसेरी। अब ये कैसे याद रखना है इंस्टाग्राम के हेड को कौन है वो, एडम मोसेरी, ये कैसे याद रखना है, देखो ए डैम है ना, ए डैम एक डैम है मतलब एक दरिया है, और MOSSERI में MO से मोह कर लो, SERI से सारी कर लो, तो एक दरिया है इंस्टाग्राम जिसमें मोह माया है सारी की सारी, तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम के हेड को भी याद रख सकते हो। आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चंस कुछ रह गए थे हमारे, 31 और 32 वाला क्वेश्चन शायद रह गया था हमारा, ये हमारा रह गया था चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे बात की जा रही है वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चुना गया, जलज श्रीवास्तवा। अब जलज का मतलब होता है वाटर, तो वाटरवेज की जब बात होगी वहाँ पे जलज श्रीवास्तवा की बात होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और एक ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था जिसमें है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि एटॉमिक एनर्जी का जो बोर्ड है उसके चेयरमैन किसे चुना गया, नागेश्वर राव को। अब किसी ने पूछा कि एटम जो बॉम्ब है, एटम एनर्जी से एटम जो बॉम्ब है वो ज़्यादा एनर्जी वाला है क्या, तो किसने कहा ना ना वो तो गैस वाला है, तो ना से नागेश्वर में ना आ रहा है, तो ना ना GES वो तो गैस वाला है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। बाकी आपको अब किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी के जो करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ है जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।